सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे नीति वचन उसका दूसरा अध्याय, बुद्धि का नैतिक लाभ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान है, वो हम सब इस वचन को सुनने वालों को, पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। राजा सुलेमान फरमाते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। तो राजा सुलेमान कहते हैं कि यदि तू मेरे वचनों को ग्रहण करे, अर्थात उनको अपने ऊपर अप्लाई करे, अपने पे लागू करे, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और जैसी जैसी मैंने आज्ञाएं दी है, तुम्हें निर्देश दिए हैं, उनको यदि तुम अपने हृदय में छोड़ो। हृदय में लिख छोड़ने का मतलब है कि बिल्कुल दिल के ऊपर रख लो, और इन बातों को जो राजा सुलेमान ने कहा है, इनको सीरियसली याद रखो। ये नहीं कि आप तो राजा सुलेमान के नीति वचन हमने सुने, बहुत अच्छा लगा, 2-4 दिन बाद इनको भूल गए। राजा सुलेमान कहते हैं इनको हमेशा के लिए अपने पल्ले से गांठ बांध लो, और समझ की बात मन लगाकर सोचो, और जो समझ की बात है उसको थोड़ा मन लगाकर सोचा करो, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारा करो। और आम चौथी आयत में देखते हैं, और उसको चांदी के समान ढूंढे, अर्थात बुद्धि है उसको चांदी के समान ढूंढनी। कहीं पर चांदी गिर जाए, किसी की खो जाए, ठीक है, तो उसको कितनी ध्यान से अपन ढूंढते हैं, सोना खो जाए या 500 का नोट खो जाए। तो राजा सुलेमान कहते हैं कि बुद्धि को भी आप उसी रीति से उतने ही यत्न के साथ है ढूंढना है आपको। और साथ के साथ राजा सुलेमान कहते हैं गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहो। गुप्त धन, हमें जानकारी मिले कि कहीं पर है सोना गड़ा हुआ है, या कहीं पर है वो खजाना गड़ा हुआ है, तो हम कितनी किसी को नहीं बताएंगे, चुपके से, और बिल्कुल चुपके से उसको अकेले ढूंढेंगे, या कम से कम लोगों को अपने साथ रखेंगे ताकि उसके कम से कम हिस्से करने पड़े। राजा सुलेमान कहते हैं कि जिस प्रकार गुप्त धन को लोग हैं कितनी लगन के साथ है वो ढूंढते हैं, इसी प्रकार से बुद्धि को भी ढूंढना हमें जरूरी है। तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और यदि तुमने ऐसा कर लिया, बुद्धि की खोज में लगे रहे, तो फिर है यहोवा के भय को समझेगा। यहोवा का भय मानने से जो आशीष और बरकतें मिलती है ना, उनको हम समझ पाएंगे यदि हम बुद्धि को लगन से, तत्परता से ढूंढते हैं, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और बुद्धि को जब ढूंढते हैं तो हमें परमेश्वर का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। परमेश्वर का ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम यहोवा का भय मानते हैं, और जब यहोवा का भय मानते हैं, बुद्धिमता से मानते हैं, तो फिर है परमेश्वर का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। 100 बातों की एक बात यहीं पर आ गई। पूरी जो नीति वचन है उसका सारांश यहीं पर आ गया कि बुद्धि देने वाला कौन है? यहोवा है, अर्थात परमेश्वर है, वो बुद्धि देने वाला है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। जो ज्ञान और समझ की बात है वो परमेश्वर के ही मुख से निकलती है, और न सिर्फ उसके मुख से निकलती है बल्कि बाकी लोगों को भी ज्ञान और बुद्धि देने वाला केवल परमेश्वर है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल खरी बुद्धि रखता है परमेश्वर। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहराता है, और जो खराई से चलते रहते हैं और बिल्कुल परमेश्वर के संग संग चलते हैं उनके लिए है परमेश्वर, है बुद्धि को ढाल के समान है ठहराता है। ढाल का मतलब एक पहाड़ है, तो वो थोड़ा 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 करके नीचे आता है, जिससे कि आसानी से उसके ऊपर चढ़ा जा सके, आसानी से उतरा जा सके। अब उसके ढलान नए हो और वो सपाट खड़ा हो सीधा 90 डिग्री कोण के अंदर, तो उसके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल और उतरना भी मुश्किल। फिर तो कोई उस पहाड़ के ऊपर कोई अंबानी जैसा अमीर आदमी ही चढ़ सकता है हेलीकॉप्टर से। और 8वीं आयत में हम देखते हैं, वह न्याय के पथों की देखभाल करता है, और जो न्याय के जो पथ है, जो जो रास्ते हैं उनकी देखभाल है यहोवा परमेश्वर करता है, और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। और जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं उनके जो मार्ग है, उनके जो रास्ते हैं, उनकी रक्षा है परमेश्वर करता है। इसका मतलब हर तरह से रक्षा करता है कि उसको जब वो मार्ग में जा रहा हो तो उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुश्मन उसके ऊपर अटैक ना कर दे, कोई पशु है उसको न मार दे, यानी हर प्रकार से प्रोटेक्ट रखता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। जो परमेश्वर का भय मानने वालों की परमेश्वर हमेशा प्रोटेक्ट करता है, और उनकी रक्षा करता है, उनसे अति प्यार करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भांति भली भांति चाल को समझेगा, और बुद्धि के लाभों का जब हमें पता चलता है और परमेश्वर के संग हम चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तो उसके बाद हमें निष्पक्षता का और भली जो
चाल है उसको हम समझने पाते हैं। दसवीं आयत में क्या कहते हैं, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और तुझे ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। और बुद्धि है जब हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाती है तो ज्ञान है वो हमें सुख देने वाला लगता है। ज्ञान मतलब बाइबल पढ़ना है और जो रिसर्च का विषय है। कुछ आदमी है बहुत अमीर होने के बाद भी वो है क्या करते हैं, एक मास्टर डिग्री करते हैं किसी सब्जेक्ट में और उसके बाद भी LLB करते हैं। मास्टर डिग्री करना मतलब MA करना, MA लगा लो, MA के करीब करीब होती है वो करना मतलब किसी विशेषज्ञ के बारे में मास्टरी हासिल करना, उसके बारे में सब कुछ जान लेना। लेकिन जो लोग LLB करते हैं उसका मतलब उसके अंदर ही घुस जाना, उस ज्ञान के अंदर पता लगाना भी ये चीज कैसे हुई, यदि ये ऐसी नहीं होती तो कैसे होती है और इसका क्या यूज है और किस प्रकार से इसे और समाज के लिए लाभदायक बनाना है। अर्थात उसके उसको रिसर्च करना अच्छा लगता है, उसको रिसर्च में मजा आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सुलेमान कहता है कि बुद्धि जब तुम्हारे हृदय के अंदर जब चली जाती है तो तुम्हें ज्ञान है वो सुख देने वाला लगता है। वरना आप मूर्ख आदमी को कोई काम की बात कह दे तो वो एक ही बात कर, ज्यादा ज्ञान ना देवा, जा तू अपना काम कर ले, वो ऐसे बोलता है। क्योंकि मूर्ख आदमी ज्ञान से बैर रखता है, ज्ञान माने बुद्धि की बातों से बैर रखता है, उसने सिर्फ मूर्खता करने में ही मजा आता है। अब गधा होता है तो गधे को आप कितना ही भी अच्छा खाना खुआ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो एक बार जो जहाँ कूड़ा करकट पड़ा होता है, कुरड़ी बोलते हैं जिसको हरियाणा में, एक बार ओढ़े दो चार मुंह ना मार रहे, जिस प्रकार के आप खाना खाने के बाद कई बार भुजिया खा लिया या फिर मीठा खा लिया, या फिर कुछ बंदे हैं अपने यूपी बिहार के ज्यादातर है वो पान मसाला खा ले हैं, तो वो जब तक नहीं खा ले इतना मजा सा नहीं आवा। तो इसी प्रकार से सुअर होता है, सुअर को क्या विशेषता है, उसको चाहे लक्स साबुन से नहा लो, जिससे कि जो बॉलीवुड की जो फेमस एक्ट्रेस नहाती है उससे नहला लो, बढ़िया फोक शैम्पू लगा लो, उसको सेंट लगा लो, लेकिन उसको मजा तभी आवा जब एक बार वो बाहर जाएंगे नहीं और चुपके से किसी गंदे नाले में एक बार थोड़ी सी थोड़ा इधर लौट लिया, थोड़ा सा उधर लौट लिया, क्योंकि इनका ये स्वभाव है। तो इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको मूर्खता में ही मजा आता है, उसको मजा आवे को नहीं जब तक कि वो एक दो ऊट पटांगे न कर ले या फिर एक दो उलाड़ी नहीं ले आवे। जबकि जो बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा इस बात से डरेगा कि करते उलाड़ा ना आ जाए यार, कदे मारे घर क्या नहीं इस बात का पता न चल जाए। तो इसीलिए हरियाणा में एक रागनी है कि नुगरा मानस आंख बदल जा, समझदार की मरोसे। तो समझदार आदमी है वो हमेशा ही सबका भला सोचता है और सोचता है कि उसके ऊपर कोई मिथ्या भी आरोप न लगे। हम पढ़ रहे हैं 11वीं आयत और आप इन अभी जो हमने बातें की ये बातें हमने मुद्दे से भटक कर नहीं की, बल्कि हम इस अध्याय में जो कि हम पढ़ रहे हैं नीति वचन उसका दूसरा अध्याय, इसके अंदर हम बुद्धि की ही बातें कर रहे हैं। 11वीं आयत में राजा सुलेमान क्या लिखते हैं, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। यहाँ पर बताते हैं कि समझ है वो इंसान की रक्षा करती है और विवेक तुझे सुरक्षित रखे। विवेक माने धैर्यवान होना, किसी चीज का लंबे समय तक इंतजार करने वाला हो। अब कोई तो नहीं, जब आज किसी की हत्या कर दे 5 लाख रुपए मिल जाए फिर काचे काटेंगे, और एक दूसरा आदमी के सोचे उसे बात नहीं के करें 5 लाख रुपया पूरी जिंदगी हम जेल में पड़े रहोगे, तो ये सोच का फर्क है सिर्फ। तो इसी प्रकार से है विवेक है वो सुरक्षित रखता है और जो समझ है वो रक्षा करती है। समझ रक्षा करती, मान लो बेरा अभी उठ पटांगे करांगे तो पुलिस पकड़ लेगी खाल में या फिर और पंगे हो जाएगी, इसलिए घर में रहें सुरक्षित रहें। और जो अभी हम बात ही कर रहे हैं बुद्धि की, इसमें तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है गब्बर का कि जो डर गया सो मर गया। ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, शोले फिल्म की तो हर बात ही फेमस है, लेकिन असल जिंदगी में होता इसका विपरीत है। जो डर गया सो मर गया नहीं, बल्कि जो डर गया सो वो बच गया। बच गया कैसे, अब कोरोना काल था, कितना भयानक था, से 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के नोटिस के उपरांत पूरे देश को बंद कर दिया था और 70-80 दिन तक बंद रहा था सबको पता है। तो ऐसे माहौल में यदि कोई कहे कि मेरा कोरोना के बिगाड़ लेगा, और वो सबको हिदायत थी कि घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, यदि वो बाहर निकले तो फिर वो कोरोना हो गया ऑटोमेटिक मर जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं, मान ले कहीं दंगा फसाद हो रखा है तकड़ा,
सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है। और कोई नहीं कहते फ्रोड़ा भाई आपा थोड़ी डरा भाई, गब्बर ने कहा था डर गया सो मर गया, वो बाहर निकला तो उनको गोली नहीं मार देगा आतंकवादी उसके। और कहने का मतलब यही है कि अपनी पैजामे में रहने वाला, अपनी औकात में रहने वाला, औकात का मतलब है अपनी क्षमता, उर्दू का शब्द है औकात, इसका मतलब अपनी क्षमता और अपने दायरे में रहने वाला आदमी है, कभी भी मार नहीं खाता है, डर के रहना है, वो बुराई से डरना है और किसी दिशा निर्देश का पालन करना है ना, वो डरना नहीं कहलाता, वो समझदारी कहलाता है। और समझदार आदमी हमेशा जब समझदारी से कार्य करता है तो जो मूर्ख लोग है वो इन्हों कहेंगे डरपोक बैठा रहे सोला हो देखो डर गए हो। तो जो किसी के कहने मात्र से डरना और समझदारी से रहना दो अलग अलग बातें हैं। और हम यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान की बातें कर रहे हैं। 12वीं आयत में लेखक राजा सुलेमान क्या कहते हैं, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्ट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। तो यहाँ पर परमेश्वर है में जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो उसके बाद वो उल्ट फेर की बातें होती हैं उनसे, और जो जो ऐसा कहने वाले लोग हैं उनसे भी हमारी रक्षा करती है, और जो बुराई का मार्ग है उससे हमें बचा लेता है। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उल्ट फेर की बातों से मगन रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो हमेशा बुराई के रास्ते पर चलते हैं और उनको इसी में मजा आता है। 15वीं आयत में कहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिसके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। ठीक है, जिसके चाल चलन भी खराब हो गए हैं, जिसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जब यहोवा का भय मानते हैं और बुद्धि हमारे अंदर आती है तो तब है हम है वो पराई स्त्री से भी बचते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है। पराई स्त्री हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करती है, बहका देती है आमतौर पर इंसानों को। तो यहोवा का भय और बुद्धि हमें ऐसी स्त्री से भी बचाती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है। और ऐसी स्त्री है जो औरों से चिकनी चुपड़ी बातें करती है, उसका जो खुद का जो हस्बैंड होता है उसको वो छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है और न सिर्फ अपने पति को छोड़ देती है बल्कि परमेश्वर के साथ जो उसने वाचा बांधी थी वो जो वादा किया था वो भी वो भूल जाती है जवानी के जोश में। 18वीं आयत में कहते हैं, उसका घर मृत्यु की ढाल पर है, और ऐसी स्त्री का जो घर है वो मृत्यु की ढाल के ऊपर है, अर्थात कोई ऊपर चट्टान के ऊपर रहता हो और बिल्कुल चट्टान के किनारे पर रहता है, और जो थोड़ा सा भूकंप आ जाए तो सबसे पहले वही गिर के मरगा, क्योंकि वो बिल्कुल ढलान के ऊपर था, बिल्कुल ही किनारे के ऊपर था। तो इसी प्रकार से लेखक यहाँ कहते हैं कि उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरे मरे हुए के बीच में पहुंचती है, और जो उसकी जो लाश है उसका जो शरीर है वो जो मरे हुए जो कब्र में पड़े होते हैं उनके बीच में फिर पहुंच जाता है। 19वीं आयत में कहते हैं, जो उसके पास जाते हैं उसमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और नए जीवन मार्ग पाते हैं। जो ऐसी स्त्री के पास जो लोग जाते हैं वो लौट के कभी नहीं आते फिर, और वो हमेशा दर दर में ही और ज्यादा क्राइम के रास्ते पर भटक जाते हैं। आपने एक गाना सुना होगा बड़े फेमस है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो यानी कि जिंदगी की तलाश में लोग जाते हैं और फिर वहीं के उस क्रिमिनल उस क्राइम वर्ल्ड के होकर रह जाते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता नहीं चलता कि वे कद क्राइम वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं, और वो सब सोचते हैं, ऐसी सोच है हर इंसान की कि सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है, और इसी सब ठीक ठीक में बहुत कुछ है वो गलत हो जाता है। 20वीं आयत में कहते हैं, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल। हमें राजा सुलेमान समझाते हैं कि हमें भले मनुष्य जिन मार्गों में चलते हैं ना उस मार्ग में चलना है, और धर्मियों के पक्ष को पकड़े रहना है, और धर्मियों का जो पल्ला है उसको पकड़े रहना, और धर्मियों के साथ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे से क्या मतलब कि जो धर्मी लोग हैं उनकी आयु है बहुत बड़ी होती है, जबकि जो जो और खरे लोग ही उसमें बने रहते हैं, और खरे लोग हैं उनकी आयु बहुत होती है, और वो जो देश में बसे रहते हैं, जबकि जो दुष्ट लोग होते हैं उन्हें क्या है, आज कड़े न कड़े पंगा करे कल ना कोई दूसरा गोली मार देगा अगर पुलिस पकड़ ले जाएगी, कहानी खत्म। हमारे पता नहीं कौन मास्टर जी बताते शायद कि भाई जो क्रिमिनल आदमी होते आए उसकी आयु 3 साल से ज्यादा नहीं होती, 3 साल में या तो पुलिस पकड़ लेगी या उसको मार देगा या फिर वो छोड़ के भाग देगा उसने जीवन बचाना हुआ तो उस एरिया को। और दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे
और ए विश्वासघाती उसमें उखाड़े जाएंगे। और जो अंत में कहते हैं इस अध्याय के दूसरे अध्याय के, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आज हमने पढ़ा था नीति वचन उसका दूसरा अध्याय और इसका शीर्षक था बुद्धि का नैतिक लाभ। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम देखेंगे नीति वचन का अगला अध्याय अर्थात तीसरा अध्याय, और इस अध्याय में राजा सुलेमान युवकों को क्या सलाह देते हैं ये हम देखेंगे और ये हम अध्याय पढ़ेंगे कल। फिलहाल के लिए इतना ही। राजा सुलेमान के इन वचनों से जिस जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखे थे और परमेश्वर की कलम राजा सुलेमान की थी, लेकिन विचार है यहोवा परमेश्वर के थे, इन वचनों से आपको बहुत सी आशीष और बरकत मिले। चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय मसीह।